तो गाइस आज है 14 मई, और 14 मई को क्या इतना जल्दी भूल गए क्या आप सभी लोग? तो 14 मई को मेरा बर्थडे है, और यही 14 मई को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर पैदा हुआ था जो कि मैं बनने वाला हूँ। तो गाइस आज मेरा बर्थडे है, और मैंने और गेमर स्वैप ने सोचा था कि हम बर्थडे स्पेशल व्लॉग बनाएंगे और एक स्पेशल जगह पे जाएंगे जो गेमिंग से रिलेटेड है। तो गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है, वहाँ पे बहुत सारी गेमिंग की चीज़ें होने वाली है। तो मैं क्या क्या होने वाला है वो आप सभी लोग को पूरे व्लॉग में बताऊँगा, मतलब रस्से में बता दूंगा। तो आप लोग व्लॉग पूरा भाई ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो अभी हम क्या करते हैं, सीधा अपनी लैम्बोर्गिनी में चलते हैं, गेमर स्वैप के पास अपनी गाड़ी में यहाँ पर तैयार है। तो अभी देखो गाड़ी बहुत ही तेज जा रही है, और तो चलो भाई बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग एंजॉय करना और व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। अभी मैं गेमर सेब के पास आ चुका हूं। तो गेमर सेब ने हमेशा की तरह क्या किया, मैंने उनको बोला था 10:30 को जाना है वरना लेट हो जाएगा। तो अभी देखो आप 11:24 हो रहे हैं, तो हमेशा की तरह लेट ही करते हैं। तो पिछले जब हम पीसी लेने जा रहे थे जब भी गेमर से लेट कर दिए थे, और अभी देखो अभी भी लेट है। क्या है भाई, क्या कहीं को ऐसा लेट कर सकते, 10 मिनट कैसा था भाई, 1 घंटा होने आ रहा। 10:30 बोला था मैं आपको, आप आ पाए, आप देखो टाइम देखो, तरीका है ये क्लैश ऑन फायर से बिहेव करने का। तो चलो गाइस सीधा हम चलते हैं और वहाँ पर जाके मिलेंगे, और बीच में आप रोड के मज़े उठाओ। ये आप देख सकते हैं गेमर से उधर जा रहे हैं, अभी मैं आओ बोली तो क्या है था, घूम के उतर के आता हूँ बोल रहे हो ना सपोर्ट लेके हो ना। तो गेमर से यहीं पर ठहरे हुए हैं, तो क्या है चलना है अपने को व्लॉग की शुरुआत करना है। तो आज मज़े होने वाले, खाली बहुत इंजॉय होने वाला है। तो हम लोग आए बंदरों को देखने के लिए यहाँ पे रुके। तो इन लोग हमें को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे, देखो उतर रहा हूँ अभी मिलने आ रहा मेरे से, जान दे रहे हुए नको तो बैठ रहे बैठ रहे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हम व्लॉग शूट कर रहे थे और रस्ते में हमें एक यूट्यूबर मिल गया, तो पता नहीं भाई कौन से यूट्यूबर है, लेकिन ये यूट्यूबर है, पूरी गैंग है लोग की, पूरी टीम ये जा रहे हैं साथ में, और पता नहीं इन लोग का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है। गेमर से पूछना था चैनल का नाम, हाँ भाई चैनल का नाम क्या है, दिए पीछे कैमरे है ना भाई, राइड विद गब्बर। तो चलो गाइस आप लोग भी राइड विद गब्बर को सब्सक्राइब कर देना, और अभी देखो भाई की पूरी टीम जा रही है, राइड विद गब्बर है इनका चैनल का नाम। तो ये अभी पूरे जा रहे हैं भाई, पूरी टीम बहुत ही रोड पे धूम मचा रहे हैं लोग, धूम। गाइस हम लोग फिलहाल आ चुके हैं जहाँ हमें जाना था, हम वहाँ आ चुके हैं, और वो जो जगह है इसके अंदर है। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं, तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और जब एक इवेंट हुआ था गेमर से जब आए थे, तो वो हाईटेक एग्जीबिशन में आए थे, यहाँ पे हुआ था, जो सारे यूट्यूबर्स आए थे वो सही यहीं पर आए थे सभी यूट्यूबर्स। गाइस फिलहाल जो हम यहाँ पे आने वाले थे डिजिटल आईटी कैफे, तो अभी हम लोग ऐसा घूम के आए हैं, तो हम आने वाले थे यहीं पर डिजिटल आईटी कैफे। तो अंदर गाइस कैफे भी है, गेमिंग भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है अंदर। और यहाँ पे हम लंच भी करेंगे मैं और गेमर से, तो आज बर्थडे स्पेशल ले ही है, तो अभी चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हम कैफ़े के अंदर आ चुके हैं, और देखो भाई कैफ़े अंदर से बहुत ही बढ़िया है, मतलब डिजिटल आईटी कैफे इसका नाम। और अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर हेडफोन्स रखे हुए, इधर मोबाइल्स भी रखे हुए हैं, S22 अल्ट्रा है,
और यहाँ पे भाई सबसे बढ़िया फ़ोन कौन सा है भैया? देखो भाई दुनिया का सबसे छोटा फ़ोन है, और कितना छोटा है देखो भाई, छोटा 4 इंच का है बस, 4 इंच का फ़ोन है। तो इसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं इसके अंदर अपन कौन सी गेम खेलेंगे? GTA 5 खेलेंगे, मॉड डाउनलोड करेंगे GTA 5 का। 3000 सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे करने का, चलो ठीक है मैं गिव अवे सही में करता हूँ, अगर मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं ये फ़ोन गिव अवे करता हूँ और विनर को सीधा घर पे पहुँचा देता हूँ फ़ोन। बैकग्राउंड में आवाज़ तो कभी आ रही है ना, बैकग्राउंड में सबको मालूम है गेमरशिप की आवाज़ कौन सी है। तो यहाँ पे अभी वॉचेस वगैरह भी रखे हुए हैं और PC वगैरह भी रखे हुए हैं, लैपटॉप भी है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ASUS की ZenBook रखी हुई है, तो बहुत ही बढ़िया होती है ZenBook, एडिटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ZenBook रखी हुई है। यहाँ पे MacBook है, तो अभी चलो इधर रहेंगे गेमरशिप क्या है, अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रहे हैं इधर गाइस। ये पिछली वीडियो अगर आप लोग चेकआउट नहीं करो तो चेकआउट करो गाइस, वीडियो जाके चेकआउट करो, लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो वर्सेस बुगाटी। अरे वीडियो लगाओ तो तुम्हारा मेरे को ये देखना है, तो ये बहुत ही बढ़िया सीन था मतलब ये। तो अभी अपन इधर जाते हैं और इधर भी लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं और 3D प्रिंटर्स भी है। और गाइस सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी, और इन्होंने मतलब भाई कैबिनेट का है, मतलब ये गेमिंग पीसी का कैबिनेट का है, कैबिनेट नहीं है भाई, ये जो पूरा चीज़ें लगी हुई है सब इन्होंने बाहर लगा रखा है। ये है कूलर मास्टर का कूलर, जो कि भाई इधर भी एक कूलर रखा हुआ है और इधर भी एक कूलर। तो गाइस कभी देखा है आपने दो दो कूलर एक साथ चलते हुए? तो दो दो कूलर्स यहाँ पर एक साथ CPU को ठंडा कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सेटअप बना के रखा है। और यहाँ पर मतलब ये जगह हीट ना हो जाए इसीलिए नीचे भी फैंस लगा के रखे हैं। तो मदरबोर्ड भाई बहुत ही प्यारा MSI का मदरबोर्ड है, ASUS का ग्राफिक कार्ड है और भाई ऑफकोर्स Ryzen का प्रोसेसर होगा, बाकी रैम स्टिक भी दो लगी हुई है और दो लगाना बाकी है। सेटअप बहुत ही प्यारा है और अपना ये जो है ना ये जो स्क्रीन है ये आउट से G8 या G7 है, वो देख के तो नहीं बता सकते, सारे आउट से सीरीज़ के एक ही होते हैं, तो मेरा तो G3 है। और ये मैकेनिकल कीबोर्ड रखा हुआ है यहाँ पर, ASUS का भाई मैकेनिकल कीबोर्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कूलर वगैरह रखे हुए, और सबसे बढ़िया चीज़ ये रखी हुई है। तो इसमें क्या है, हम इसको भी टेस्ट करने वाले थे लेकिन इसमें क्या है टेक्निकल इश्यू है, तो अभी अपन इसको नहीं टेस्ट कर सकते। यहाँ पर भी मैकेनिकल कीबोर्ड रखा हुआ है और गेमिंग हेडफोन्स, तो अभी इसके अंदर हम कार के मज़े ले सकते थे लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं ले सकते। तो गाइस अभी गेमर सर्विस में बैठ चुके हैं तो ये अभी काम करना शुरू हो गया, लेकिन साइड के जो डिस्प्ले राइट और लेफ्ट ये नहीं आ रहे, बस बीच का सेंटर वाला डिस्प्ले आ रहा है, तो इतना तो कर सकते हैं, बस इसमें बैठ के गेम खेलने के मज़े हैं। और जैसे ही देख सकते हैं ये भी ऊपर उठ रहा है, तो भाई भाई देखो पूरा क्रॉस हो गया एकदम गेमर से कैसी फील आ रही है आपको? तो गाइस बस एक गेमर के लाइफ में यही होना चाहिए, बहुत मज़े आएंगे इसके अंदर अभी गेमर से मज़े करो क्या बोलते। अरे मेरा फेस छुपा था, फिर क्या फेस दिखा रहे, छुपा देंगे कहीं को टेंशन ले रहे फेस रिवील लगे। तो गाइस ये अभी चल रहा है, चलो गेम खेलो लगाओ। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर जाने वाले, चलो गेमर से चलो ऊपर जाएंगे। तो अभी गाइस ऊपर जाते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम कैफ़े में ऊपर आ चुके हैं और कैफ़े कुछ ऐसा है, तो इधर देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा है यहाँ पर पूरा सेट वगैरह ओके, और इधर गेमिंग सेटअप वगैरह भी रखे हुए हैं। तो अभी हम पहले लंच कर लेंगे और उसके बाद गेम वगैरह खेलेंगे ओके, तो चलो अभी लंच कर लेते हैं। तो गाइस फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और लंच करने के लिए बोले थे तो क्या पिज़्ज़ा का रेट दही तैयारा पिज्जा खाएंगे बोल के बोले थे, पिज्जा खा रहे अब वीडियो ले रहे तो भाग रहे देखो, हेलो बोलो हेलो तो बोलो हेलो इधर हाँ मिल रहा है। तो देखो अभी पिज्जा खाएंगे बोले ना पिज्जा खा रहे हैं, अब मैं चिकन पिज्जा बोल तो क्या है कौन सा पिज्जा है हैदराबादी स्पेशल पिज्जा, तो मैं पेरी पेरी पिज्जा खाएंगे बोला, इन्हों कुछ और पिज़्ज़ा मंगा दिया, इनको ये पसंद के थे और पिज़्ज़ा है ना भाई साहब इससे तोड़ के इससे कट करके खा रहे, अब क्या बोल रहा है इनको बता। अभी फ़िलहाल हम गेम खेल रहे हैं बैठ के, तो गेमरशिप यहाँ पर बैठे हुए और गेमरशिप खेल रहे हैं। तो अच्छा चलो मैं हाफ ड्राइवर है क्या तुम? अरे 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 भाई गेमरशिप क्या है, हर एक गेम के अंदर इन्हों प्रो है लेकिन दिखते नहीं, लोगों को दिखाते नहीं अपना जितने प्रो है सो। देखो अब कैसा नुकड़ों के साथ चलाते, देखो इनको कार चलाने आती है हालांकि, लेकिन क्या करते ठोक दे रहे हैं इधर गेम, स्टेयरिंग संभालने नहीं आती
तो गाइस सच में मतलब भाई इधर जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब आपको गेमिंग बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे हम लोग उसमें भी गेमिंग कर सकते थे लेकिन उधर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे तो वाइड वाली स्क्रीन पसंद है और अपने को हमेशा से एक अच्छे कैबिनेट की ज़रूरत है। मतलब कैबिनेट अंदर की जो चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए तो खेलने का मन करता है। तो उसमें कौन खेलेगा भाई, तो इसमें खेलने का मज़ा जो है ना वो अलग है। वो लैपटॉप है तो लैपटॉप को कनेक्टेड है वो डिस्प्ले, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। लैपटॉप में पीसी वाली बात नहीं आती। वो सच में यार इधर खेलने का मज़ा बहुत ही बढ़िया है। और उधर देखो आप कैफ़े है, तो कैफ़े वगैरह है, यहाँ पर आप खा पी के इधर गेम खेल सकते हो। और बाकी भाई प्लेस तो बहुत ही बढ़िया है सच में। तो अभी हम लोग बहुत मज़े किए इधर, कुछ ऑलमोस्ट भाई कितने दो तीन घंटे हो गए ना अपन इधर आके। दो तीन घंटे से हम लोग यहीं छे, मतलब गेम खेले खाए पिए, अब सब कुछ व्लॉग में दिखाओ बोलते हो नहीं होता। तो फिलहाल अपना जितना हो सके उतना दिखाए, कोशिश करे पब्लिक में वीडियोस बना रहे भाई। हम लोग यहाँ गेमर है, गेमर के लिए मुश्किल रहता। तो फिलहाल बहुत मज़ा आ रही यहाँ पे। तो चलो अपन मिलेंगे इसके बाद। फिलहाल हम लोग को बहुत मज़ा आया, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, जाना दिल हो रहा है गेमर से। उन्होंने खेल लिए करे, बहुत मज़ा आया भाई, इंजॉय कर रहे हैं बोलो। तो चलो गाइस अभी ये क्या है पता नहीं, शायद इसका अभी स्क्रीन नहीं है। ये भी वही है ना स्टीयरिंग के लिए, हाँ इसका स्टीयरिंग अच्छा फ्री है। तो गाइस अगर आपको भी यहाँ पर आना है, खासकर हैदराबादी आवाम के लिए, अगर हैदराबादी आवाम यहाँ पे आना चाह रही तो आ जाओ, हाईटेक एग्जीबिशन के सामने है। क्या है ये डिजिटल आईटी कैफ़े, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल आईटी कैफ़े, तो हाईटेक एग्जीबिशन के एग्जैक्ट सामने, उसके एंट्रेंस के सामने है। आके आप इंजॉय कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए, कुछ भी ख़रीद सकते हो। तो अभी मैं और गेमर से अभी घर को जाएंगे, बहुत थक गए गाइस सुबह से बाहर है यहाँ पे, ये सुबह से बहुत इंजॉय करें हम लोग, आप भी आके कर सकते हैं। कुछ भी ना, बस आपको क्या है आके खेल लेना तो खेल लो, कोई बात नहीं, लेकिन खा लो पी लो अच्छा रहता, इज्जत बच जाती। खा पी के आप खेल ले सकते हैं या खेल के खा पी सकते हैं। वो खाने के वो पिज़्ज़ा वगैरह बने तक टाइम आए तक खा लो, या पिज़्ज़ा खा ले के गेम खेलो, कुछ भी करो कर सकते हो, बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पे। आओ कभी सुने ना हैदराबाद या हम। तो चलो निकल रहे हैं अपन, घर को जाएंगे, क्या बोलते, चलो निकलेंगे, मज़ा आ गया यार, क्या बर्थडे पे इतना बड़ा सरप्राइज देती है, कुछ भी बोलना। फिलहाल हम आईटी कैफे से बाहर निकल चुके हैं और जगह सच में बहुत अच्छी थी, अगर आप लोग भी आना चाहते तो आ जाओ। अभी फ़िलहाल हम लोग घर को रिटर्न हो रहे हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत थक गए, धूप आखिरी है, अब क्या है कुछ भी ठंडा अंडा खाएंगे पीएंगे, क्या बोलते हैं। पहले अपनी हैदराबादी हवा में परेशान हो जा रही धूप की वजह से, अभी फ़िलहाल हम लोग घर को जा रहे लोग। अभी फिलहाल बहुत दूर आ चुके हैं डिजिटल आईटी कैफे से और घर के पास में हम लोग। तो अभी गाइस देखो मतलब कितनी धूप है, अभी इसके मेट्रो स्टेशन के नीचे थोड़ा ठंडा है, अभी आप धूप उधर देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक धूप है, गर्मी तो बहुत हो रही है। तो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए मौजमजाई मार्केट फेमस आइसक्रीम पार्लर को जा रहे हैं, तो वहाँ पर आइसक्रीम खाएंगे और चलो वहाँ मिलते हैं सीधा। चलो भाई चलो जल्दी चलो, धूप है गर्मी हो रही। फिलहाल हम लोग अभी आ गए यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे, क्या गेमर से धूप क्या बोल रही, धूप आखिरी है गाइस यहाँ पे हैदराबाद, धूप देखो भाई, हम ना धूप से चुपके बैठे हुए मतलब सामने जगह हमेशा 24 घंटे स्टूडियो में बैठ के GTA 5 खेलते थे, वो मजा ना गाइस यारा ब्लॉगिंग। तो गाइस देखो ये MJ मार्केट है, मौजमजाई मार्केट बोलते हैं इसको, यहाँ पे फेमस आइसक्रीम है पीछे, तो आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। अभी आइसक्रीम मेरे को खाने दो, आखिरी धूप को दिमाग गर्म हो गया, चलो आइसक्रीम खाते हैं, बाय बाय। फिलहाल अभी हम लोग घर को जा रहे हैं, तो सुबह से धूप में रह के घर के बहुत दिमाग खराब हो गया, दोनों भी घर को फुल आइसक्रीम लेके जा रहे हैं।
तो इतनी सारी आइसक्रीम सिर्फ ये धूप की वजह से लेके जा रहे हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं ह्यूमन, सिर्फ गर्मी तो आखिरी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी होने का यहाँ पे, बहुत ज्यादा हैदराबाद में पता नहीं, मतलब डेली घर में खाली एसी में लौटने का मजा आ जाएगा। और भाई आज तो बहुत जबरदस्त आया वो अपने को डिजिटल गेम में, बहुत अच्छा था। एंड ड्रैगन फायर हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो, थैंक यू सो मच, योर ड्रीम कम ट्रू मेरे भाई। सब सब हो जाते हैं, देख लो अभी अपन सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने वाले, क्या बोलती है पब्लिक? यस। तो देखो डिजिटल आईडी कैफे, आप लोग अभी जाओ एंजॉय करो, कुछ भी नहीं एक दो पिज्जा ले लो, बहुत बोल दो, रहता है 200-300 रहता, अब आपके ऊपर है आप कैसा ले रहे हैं। तो पिज्जा विज्जा ले लो, खा लो जाके भाई, बहुत कितनी देर खेलना है खेल लो, जबरदस्त जगह है। तो अभी क्या है, मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं घर को जाते हुए अकेले तो शूट नहीं कर सकता हूँ, पहले गेमर से अब घर को चल जाते, फिर मैं वहाँ से मेरी लैम्बोर्गिनी में मैं फिर घर को वहाँ से चल जाता हूँ। लैम्बोर्गिनी में अभी गेमर से के घर के पास रखा है। तो गाइस चलो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैश ऑन फायर।